अच्छा, मैंने ये जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस स्टेप में, जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ मेरे साइट को लेकर के, वो कभी ना कभी मेरे को जो एड्स लिमिट लगा सकती है। और वही हुआ जो मैंने सोचा था, वही हुआ। धड़ाक से जो है मेरे साइट के अंदर एड्स लिमिट लग गया। फिर अगेन मैंने 10 दिन के अंदर उस एड्स लिमिट को रिमूव किया हूँ। कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई किया, वहाँ आप देखिए। यहाँ पे जितने सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे उनमें से मिलते जुलते जो आपको वीडियो ये नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई किया था ये दूसरों से बहुत अलग है। आज तक मैंने जितने भी एडसेंस के साथ काम किया हूँ, आज तक किसी भी एडसेंस के अंदर मेरे को एड्स लिमिट नहीं लगा है। मेरे karablogging.in की बात कर रहा हूँ, जो हाल फिलहाल में एडसेंस को अप्रूवल मिला था और तुरंत के तुरंत जो एड्स लिमिट लग गया, क्योंकि मैंने वहां पे गलती मैंने खुद कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, ताकि अगर एड्स लिमिट लगे तो उसको कैसे रिमूव किया जाए, उसके ऊपर कैसे आप लोगों को समझाया जाए, ये भी एक मेरा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। कैसे 4 पोस्ट के अंदर मैंने एडसेंस की अप्रूवल लिया हूं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखा है तो इस आई बटन पे, यहाँ पर कहीं भी नहीं, जो आपका आई बटन मिल जाएगा वहां पर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। आप जाके अगर आपने बहुत दिन से ट्राई करो, एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिल रही है, तो उस वीडियो को जाके आप नॉलेज ले सकते हो, राइट। सो यहाँ पे जो बातें मैं करूंगा, जो स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई किया था, वो तो मैंने सीधा सीधा बता सकता हूं, लेकिन अब लोग प्रूफ मांगते हो। मैं कहता हूं कि एडसेंस एक गर्लफ्रेंड की तरह है, क्योंकि बीच बीच में ना रूठ जाता है भाई, गुस्सा कर लेता है। अब कुछ भी करके मनाने की कोशिश करो, ये मानता ही नहीं है। बाद में आप धीरे धीरे जब ट्रस्ट बिल्ड करोगे ना, तब जाके आपका रिश्ता जो है फिर पटरी पे आता है, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी है एडसेंस के साथ, जो हम लोगों का रिश्ता है, अगर कुछ भी हम लोग करते हैं तो उल्टा कुछ पॉलिसी वायलेंस की या फिर कुछ ट्रैफिक इश्यूज की जो हम लोगों को चिट्ठा पकड़ा देता है, और उसके बाद बोलता है कि भाई एड्स लिमिट तेरे को लेना पड़ेगा, और दे देता है, मतलब दे देता है तो लेना ही पड़ेगा ना। तो हमने उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसे मैंने नहीं किया हूँ, आप समझो मेरे मेरे जो कंडीशन है, मेरे अंदर की क्या चल रही है, आप इस चीज़ को समझो। लेकिन वो कैसे बात करूँ उनसे, ठीक है। तो ये चीज को आपको धीरे धीरे उसको समझाना पड़ेगा, और कैसे मैंने किया हूं ये तो डेफिनेटली आपको प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा, ताकि आपके अंदर एक सटीक नॉलेज जाए आपके मतलब ये ब्लॉगिंग रिलेटेड जर्नी के अंदर। और अगर आपके पास इस तरह का कोई इशू आ चुका है या फिर आने वाले टाइम पे कोई इशू ऐसा आ सकती है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और हाँ, एडसेंस से याद आया कि मैंने लास्ट 2 एडसेंस की अर्निंग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखे रखा हूं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो कि कितना मैंने कमाया हूं लास्ट, मतलब ये जून के महीने में, ठीक है, सॉरी मई के महीने में, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, पहले प्रूफ देख लीजिए, मेरा karablogging.in ये मेरा ऑफिशियल साइट है, और इसके अंदर मैंने बहुत तरह की एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहना, मैं कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स शेयर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। सो यहाँ पे देखना कि एड्स वाकई में आ रही है या फिर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, और मैंने karablogging.in को एक नया टैब में ओपन किया, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, और अगेन यहाँ पे देखना मेरे साइड बार में ऐड आ रही है, और यहाँ पे देख सकते हो कि गूगल के विज्ञापन, राइट। थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे भी आपको एड्स दिख जाएगा, यहाँ पे भी देख सकते हो कि गूगल का विज्ञापन। चलिए इसको मैं अभी कवर करता हूँ। अभी मैं चलता हूँ मेन सेक्शन के अंदर, मेरे ईमेल आईडी के अंदर, और ये ईमेल आईडी यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को कब ईमेल आया था। मतलब मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि मेरा ये साइट बिल्कुल नया एडसेंस से मोनेटाइज हुआ था, और क्या इशू आने की वजह से मेरे को ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ी, ये भी मैं आपको बताऊँगा। कंप्लीट सोल्यूशन है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहना। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बोलूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखो, मेरे को गूगल एडसेंस के थ्रू पहला ईमेल जो मिला था, योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एडसेंस ऐड, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं दिखा दूँ, ये जो ईमेल मेरे को मिला था 27 तारीख को, मई की 27 तारीख 2021 को, ठीक है। सो अगेन बैक आता हूँ, और मई 27 से लेके, और यहाँ पे देखो गूगल एडसेंस के तरफ से अगेन यहाँ पे मेल आता है कि भाई आपका सर्विंग एड लिमिट ऑन योर एडसेंस अकाउंट, एड सर्विंग लिमिटेड, सॉरी। तो यहाँ पे एड्स लिमिट का मतलब मुद्दा क्या था, एड्स लिमिट का यहाँ पे इशू मेरे को देख सकते हो कि मेरे को ईमेल के द्वारा बताया गया, ये जो है जून 2021 को, यानी उधर 4 दिन और इधर 4 दिन, 8 दिन के अंदर मेरे को एड्स लिमिट का इशू देखने के लिए मिल गया। और ये मैं जानता था कि डेफिनेटली मेरे को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने सोशल ट्रैफिक ड्राइव कर रहा था। अब यहां पे आप समझ रहे हो कि सोशल ट्रैफिक को बंद करने से आपका काम हो जाएगा, बाकी में ऐसा नहीं है, और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको काम करना पड़ेगा, तब आप इतने जल्दी जो है इस चीज से निकल सकते हो, ठीक है। सो मैंने इतना जल्दी सिर्फ 10 दिन के अंदर, यहां पे देखो 4 तारीख को मेरे को एड्स लिमिट लगा, और आज है 14 जून 2021, यानी 10 दिन के अंदर मैंने एड्स लिमिट को हटा दिया हूं, यहां पे एड्स हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये पूरा मेरा karablogging.in का ही है, शायद आप लोगों ने कुछ बोलेंगे तो मैं इसको एक बार बैक करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा karablogging.in का ही है, जहाँ पे मेरे को ये मेल मिला था, गूगल एडसेंस के थ्रू योर साइट इज़ नाउ रेडी। तो इसको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कि मेरा मेरे को बताया गया था यहाँ पे, ये देखो karablogging.in इज नाउ रेडी टू एडसेंस एड, ठीक है। सो कंफर्म क्लियर हो चुका है आप लोग, आप चलते हैं एडसेंस के तरफ। और यहाँ पे देखो मेरे को टुडे सोफर का अर्निंग हो गया है, ये स्टडी का भी अर्निंग हुआ था। तो 4 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच मैंने क्या किया, वही मेन कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए
चार तारीख जब मेरे पास ईमेल आया तो मेरे अभी तक ऐसा केस नहीं हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मैंने इस तरीके से काम नहीं किया था। मैंने यहाँ पे सोशल ट्रैफिक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया था एज ए ऑर्गेनिक यूज़ करने के लिए, ठीक है, और वो मैंने किया भी था, और उसके बदले मेरे को अलग जगह इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बट एडसेंस के खाते में मेरे को जो घाटा देखने को मिला, मेरे को जो एड्स लिमिट का इशू फेस करने के लिए मिला, ठीक है। लेकिन मैं एज ए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की काम करता हूँ तो मैं इसको संभाल लिया हूँ, बट आप लोग कैसे संभालोगे? तो आप इस तरीके से काम मत करना कि सोशल ट्रैफिक को घुमा के जो ऑर्गेनिक मत करना। अभी ये पहला इशू मेरा मैंने ये किया था और इसकी वजह से मेरे को एड लिमिट लगा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मैंने कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई किया हूँ जो कि किसी ने आपको नहीं बताया आज तक, ठीक है। सो ये तो होता है, आपने देख लिया कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये लास्ट 7 डेज़ का यहाँ पे देख सकते हो कि इंप्रेशन सिर्फ 47 है, और टुडे का मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। सो यहाँ पे देखो टुडे सो फार, और यहाँ पे देखो 95 का इंप्रेशन है और उसके अंदर क्लिक्स भी आए हैं, ठीक है। सो एड्स लिमिट होता क्या है, एक भाषा में मैं बता दूं कि एड्स लिमिट का मतलब एड्स खत्म नहीं होता, एड्स बंद नहीं होता है, बट इतना लिमिटेड, इतना कम हो जाता है जो कि बंद होने का बराबर है। हो सकते हैं कि 1000 पेज व्यूज पे आपको एक इंप्रेशन देखने के मिल रही है एडसेंस के थ्रू, ठीक है। सो उस केस में मैंने जैसे मेरे पास मेल आया कि आपको एड्स लिमिट लग गया, तो मैंने वीडियो देखना इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। सो वीडियो देखने के बाद मेरे को जो पता चला कि एड्स सर्विंग को जो है ऑफ कर देना है, तो डेफिनेटली मैंने एड्स सर्व को ऑफ कर दिया। अगर आप भी ऐसे करके रखे तो आपको भी एड्स सर्व को ऑफ करना है। जो मैंने किया हूं वो मैं बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहां पे एडसेंस को जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको टॉप पे एक इशू दिख जाएगा कि क्या इशू है, किसकी वजह से। यहां पे पॉलिसी सेंटर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि किस इशू से जो है आपका एडसेंस के एड लिमिट को लगाया गया है एडसेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे दो इशू जो है मेजर देखने के लिए मिलता है। एक इशू देख सकते हो इनवैलिड ट्रैफिक कंसर्न, जैसे कि मैंने बताया हूँ कि मैंने ट्रैफिक के साथ खिलवाड़ किया था तो उसकी वजह से मेरे को जो ये चीज़ें देखने के लिए मिला। अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत ही एडवांस लेवल के बंदे हो तो भी आप इस चीज़ को नया साइट के साथ मत करना, ताकि आपको इस प्रकार से एड लिमिट सेक्शन जो है देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक केस आता है कि इनवैलिड एक्टिविटीज़, यानी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटीज़, कि आपके साइट के अंदर जो एड्स दिख रही है उसके ट्रैफिक तो जेन्युइन है, ट्रैफिक तो सही है, बट उसके अंदर कोई ना कोई जो है इनवैलिड क्लिक हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ब्लॉगर है चाहे आपके पास वर्डप्रेस है, दोनों केस में मैं बता दूं कि मैंने क्या किया था। अब देखिए छोटी सी टाइम में बता देता हूँ कि मैं 4 डेट को, मतलब 4 जून को जैसे मेरे पास ईमेल आया तो मैंने एड सर्विंग को बंद कर दी। उसके बाद मैंने सोशल ट्रैफिक लेना, जिस तरीके से मैं अलग तरीके से ट्रैफिक ले रहा था उसका, जितने सारे जगह मैंने डायरेक्ट लिंक शेयर की थी उस लिंक को हटाया, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे मैं एनालिटिक्स को मैं आपको दिखा देता हूँ कि धीरे धीरे जो है मेरे एनालिटिक्स के अंदर अभी देखो यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले जो मेरा ऑर्गेनिक सारे सारे ऑर्गेनिक दिख रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक था, बट अभी जो धीरे धीरे देख सकते हो ऑर्गेनिक भी कम हुआ है और सोशल ट्रैफिक भी कम हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर लास्ट 7 डेज की बात करूँ तो यहाँ पे एक्विजिशन रिपोर्ट के अंदर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ट्रैफिक सोर्स कहाँ कहाँ से आ रहा था, और इसके बदले आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब आपको भी इस तरीके से काम करना है। अगर आपको एड लिमिट्स लग गया तो आप सोशल में जितने सारे डायरेक्ट लिंक शेयर करके रखे उसको हटा दीजिए, और उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जैसे आपने सोशल से लिंक को हटाएंगे तो आपका ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जो ट्रैफिक होगा वो जेन्युइन होगा। ऑर्गेनिक सर्च यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा है, सोशल मतलब यूट्यूब के ही मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और डायरेक्ट जो है कुछ डायरेक्ट से भी आ रही है लिंक, अभी तक मैंने कहीं कहीं जो रह गया है मैंने उसको मतलब फाइंड आउट नहीं किया हूँ, रिमूव भी नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। और रेफरल से भी जो है कुछ ट्रैफिक आ रही है, बाकी यहाँ पे देखो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक से आ रही है। और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक से आना शुरू हुआ तो गूगल ने एड सर्विंग मतलब सेट मेरे साइट के अंदर जो है एड सर्व करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके भीतर मैंने और भी एक चीज़ करी थी, मैंने 4 तारीख को ऑफ किया था मेरे एड्स को, और 3-4 दिन मैंने इस तरीके से सारे सोशल ट्रैफिक को बंद करने के बाद जैसे मैंने देखा यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ गया, मेरा सोशल ट्रैफिक की कंपेरिजन में ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, तो मैंने एड्स को अगेन ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। ये काम आप लोगों को करना है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को देख के बैठोगे, यहाँ पे पॉलिसी सेंटर के अंदर आता हूँ और अगेन यहाँ पे एक बार बैक जाता हूँ, आप लोग सिर्फ आपके पास कोई ईमेल नहीं आ सकता है कि आपका एड सर्विंग लिमिट, यो आपने जीत गए हो, आपने एड सर्विंग लिमिट जो है आपका हटा दिया गया, इस तरीके से ईमेल जो है बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे इशू देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर उस केस में आप जो एड्स को बंद करके बैठे हुए हो तो ये इशू जाने में बहुत टाइम लेता है, कहीं कहीं तो 1-2 महीने भी ये इशू आपको दिख जाएगा। अगर आप ads.txt फाइल को भी हटा देते हो ना फिर भी जो है ये इशू देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इशू जो है आपको 1-2 घंटे या फिर 1-2 दिन में हट जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको एड्स को ऑन कर देना है, और धीरे धीरे देखोगे यहाँ पे देखो टुडे सो फार का देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है। येस्टरडे का मैं दिखाऊं आपको ताकि आपको पता लग जाएगा, मैं एड्स को तभी ऑन कर दिया था 3-4 दिन के बाद, यानी 4 तारीख मैंने उसको ऑफ किया तो शायद जो 6 या फिर 7-8 तारीख को मैंने एड्स को ऑन कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे एक दो करके जो इंप्रेशन आना शुरू हुआ एड्स का। और कल देख सकते हो यहाँ पे जो है येस्टरडे का डेटा 37 इंप्रेशन आया था 162 पेज व्यू के अंदर, जो कि यहाँ पे 300-350 या फिर 500 इंप्रेशन आना चाहिए था, ठीक है। बाकी मैंने आज जब चेक किया तो यहाँ पे देखना, मैंने इसको बीच बीच में चेक करा था, आज देखो 36 पेज व्यूज में जो 95 इंप्रेशन हो गया, मतलब कि बराबर होनी
मतलब हो ही जा रहा है, लेकिन एड्स के सेक्शन पे अभी तक मैंने सारे एड्स को ऑन नहीं किया हूँ। यहाँ पे आपको ये भी करना है कि आपको सारे के सारे एड्स को धड़ाधड़ ऑन नहीं कर देना है, आपको सिर्फ एड्स को ऑन कर देना है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक एड्स जो है ऑटो एड्स ऑन है, और यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो मैंने बहुत सारे ऑटो एड्स को अभी तक यहाँ पे देखो ऑटो एड्स ही आने, बट यहाँ पे एड फॉर्मेट के अंदर मैंने कुछ भी यहाँ पे देखो इन पेज एड्स, मैच कंटेंट एड्स, ये सारे के सारे एड्स जो है बाय डिफॉल्ट ऑन है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको मतलब जो मैनुअली एड्स है उसके तरफ नहीं जाना है, ठीक है। अभी आपको ऑटो एड्स पे शिफ्ट रहना है, और मैं ये रिकमेंड करता हूँ अभी सबको कि अगर आपका नया साइट हो आप 3-4 महीने सिर्फ ये मैनुअल सॉरी ऑटो एड्स के थ्रू ही रहिए। और इसका जो यहाँ पे एक परसेंटेज आता है यार, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे आने के बाद एड्स लोड बोल के एक सेक्शन है, और यहाँ पे देखना कि ये परसेंटेज को आप मैक्सिमम मत करना, इसको आप मिनिमम ही रखना, इसको आप जितना मिनिमम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो ये देखो टू इन पेज एड्स, तो ये जब आप इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे नंबर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है आपको एड सर्विंग में यहाँ पे देखो एड्स आ रही है, तो ये इसको भी आप थोड़ा सा न्यूट्रल में रखना, इसको ज़्यादा मत कर देना ज़्यादा लालच के चक्कर में, ताकि आपको जो है आपकी पेज है उसकी 30% से ज़्यादा एड्स दिख जाती है तो आपके लिए खतरा बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखना, मैं ये सारे के सारे चीज़ें जो है अभी अप्लाई नहीं करूँगा, और इसको मैं अभी यहाँ से बैक कर देता हूँ, ठीक है। जो मेरा पहले से अप्लाई था उसको मैं रहने देता हूँ, और उसके बाद मेरा काम जैसे चल रही है वैसे चलने देता हूँ, ठीक है। तो अभी मुद्दा कहता जो है आप लोगों को कुछ इस टाइप ऑफ काम करना है, अगर आपका एड्स लिमिट लग गया या फिर ट्रैफिक कंसर्न के थ्रू इनवैलिड ट्रैफिक के थ्रू, तो आप ये काम कर सकते हो। अगर आपका इनवैलिड ट्रैफिक इनवैलिड क्लिक के थ्रू आ रही है, ये इशू क्रिएट हुआ है, तो आपको मेजर करना है गूगल एनालिटिक्स पे जाके कि भाई मेरा कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। मान लीजिए कि आपका हिंदी ब्लॉग है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है बाहर कंट्री से, तो आपको समझ लेना है कि आपका हेडर जो है VPN यूज़ करके आपके एड्स के अंदर क्लिक बढ़ा रही है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को जो आपको मेजर कर लेना है, और बाकी आप जो है आपकी साइट को क्लाउडफ्लेयर में शिफ्ट करवा दीजिए। क्लाउडफ्लेयर जो इंटेलिजेंस है AI है वो पकड़ लेता है, किसी बॉट या मैकेनिज्म की जो ट्रैफिक होता है उसको पकड़ लेता है, वो वहीं से उसको रिमूव कर देता है, ठीक है ताकि आपके साइट तक वो नहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। या फिर बहुत सारे ऐसे प्लगइन है जिसके थ्रू आप एड्स जो क्लिक्स जो होता है ना एड्स के अंदर, तो वो क्लिक्स को आप जो है लिमिटेड कर सकते हो कि किसी एक बंदे ने जो 2 या फिर 3 बार से ज़्यादा क्लिक्स करेंगे तो उसको ऐड ही ना शो कराए, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, और इस तरीके से आप काम कर सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि एड्स को आप ऑफ करो और कुछ दिन के बाद एड्स को ऑन कर दो, तो धीरे धीरे एड्स प्लेसमेंट्स करना शुरू कर देता है। और ये जो नोटिस है, ये नोटिस हटने में टाइम लगेगा, इस नोटिस को देख के अगर आप बैठे रहोगे तो आपका काम जो है कभी कंप्लीट नहीं होगा जल्द से जल्द, ठीक है। आई होप कि मैं इतना सजा के नहीं बता पाया हूँ, लेकिन जो मैंने जो इम्प्लीमेंट किया और उसके थ्रू मेरे को जो रिजल्ट मिला वो आप लोगों तक पहुँच गया है मैसेज, और आप लोग भी इस तरीके से काम करके देखना, शायद ये जो है आज के डेट में अच्छे से वर्क कर जाएगा, राइट। ओके, आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, और इस प्रकार से स्ट्रेटेजी को आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर इस टाइप ऑफ इशू आपके साथ क्रिएट हो चुका है या फिर कोई भी इशू क्रिएट होता है एड्स लिमिट की जो फंगा मेरे को समझ में आया कि आपको कुछ भी करने की तो जरूरत नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है, आपको सिर्फ वेट करना है। और जैसे मैंने किया था, सबसे पहले आप एड्स को हटाइए और उसके बाद 7-8 दिन के बाद अगेन एड्स को ऑन कर दीजिए, चाहे आपके पास मेल आए या फिर ना आए। अगर आपके एडसेंस अकाउंट पे अभी तक इशू दिखा रही है फिर भी आप उसको ऑन कर दीजिए, तो धीरे धीरे एडसेंस क्या करेगा, चेक करेगा आपकी, जैसे आप वहां पे क्लिक मतलब उस एड्स को ऑन करते हो ना, तो एडसेंस के पास एक सिग्नल चला जाता है और वो धीरे धीरे चेक करने लगता है। अगर उनको सही लगा सारा कुछ जहां सही है, तो जल्द से जल्द आपके साइट के अंदर एड्स प्लेसमेंट करना स्टार्ट कर देगा। आई होप कि वीडियो आपको अगेन कह रहा हूँ कि बहुत पसंद आई, एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। और चलिए, बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।